घुमा देंगे कोना नहीं देंगे। बोलते अभी कुछ दिन पहले कोना दे सकते हैं कोना नहीं दे सकते हैं। बोलते ना बोले ये व्यक्ति कैसे बोल रहा है भाई। जब पूरा झारखंड आंदोलन 80-90 के दशक में चरम पर था तो लालू जी का एजेंट बनकर लाठी और गोली झारखंडियों पर चलाने का काम कर रहा है। वही व्यक्ति है। 1932 का खतियान और नियोजन नीति को लेकर आजसू का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था। झारखंड के विभिन्न जिलों से भारी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए रातू थाना के दलादिली चौक, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी कसी कमर। विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, तो विभिन्न जगहों पर बैरिकेडिंग भी किया गया था और आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही थी। तो वहीं मुख्य गेट के समीप रैपिड एक्शन फोर्स IRB रैप के जवानों की तैनाती थी। जगन्नाथपुर मंदिर के समीप रांची के SSP CTSP DSP कई थानों के अधिकारी मौजूद थे, तो वहीं दलादिली चौक की स्थिति भी कुछ कम नहीं थी। वहां भी भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी और मौके पर विभिन्न थानों के अधिकारी और DSP मौजूद थे, लेकिन हजारों की संख्या में आंसू कार्यकर्ता चौक से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। एक प्रयास विफल रहा, दूसरे प्रयास में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और आगे बढ़ गए। हालांकि आंसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक अधिकार मांगने आए हैं, कार्यकर्ता वापस आ जाएं। कुछ दूर चलकर कार्यकर्ता वापस आ गए। वहां पर प्रशासन की तैयारी धरी की धरी रह गई। फिलहाल आपने देखा क्या कुछ हुआ दलादिली चौक पर, तो वहीं आइए अब सुनते हैं कि रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा ने क्या कहा और आंसू के कार्यकर्ता नेता व आंसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा। रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा हमारे साथ है। कि सर, जैसा कि आज आजसू के द्वारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, ऐसे में लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारी है? जस्ट आप देखा है कि जो शहर के जितने भी एक्सिस एंट्री पॉइंट हैं, हर जगह कल रात से ही फोर डिपार्टमेंट किया गया है और वहाँ पे जो है हमारा चेकिंग चल रहा है। इनफैक्ट शहर में 144 लागू की गई है, कहीं भी अभी 5 से अधिक व्यक्ति गैदरिंग को निषिद्ध किया गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग हर तरफ डिप्लॉयमेंट फोर्स मजिस्ट्रेट का है, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है और विधानसभा के एंट्री गेट पे भी RAF की जो एक स्पेशल यूनिट है वो तैयार है। साथ ही सभी लोग से उम्मीद की जाती है जो भी विधि व्यवस्था है उसके मद्देनजर ऐसे कोई कार्य न करें जिससे शांति व्यवस्था खराब हो, और ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जहां पर पुलिस ने अपना बैकअप नहीं लगाया, सच्चाई है। ये 2-3 पहले से इस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं का नाम पूछा जा रहा है कि किस कस्बे में, किस ब्लॉक में, किस नगर में, किस जिले के अंदर कौन सा संगठन में काम करने वाला कार्यकर्ता है। ये दोनों मालिक राय जारी करते हैं, न्यायालय के पद पे बैठकर कोई अनुमानित राय जारी करता है कि आपसे, आपके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर का, विधि व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ताकि आपको नोटिस भेजा जाता है, तालीम दिया जाता है। क्या कि नहीं 10,000 लोगों को इस तरह से नोटिस भेज दिया कि आप विधि व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। ये उनका एक STO लेवल के पदाधिकारी का कोर्ट ये कह रहा है, या उसका दिमाग, या राजशाही सरकार का ये दिमाग का सोच है कि नहीं? लेकिन पूरे राज्य में आज लोगों से पूछ लीजिए, जनमत करा लीजिए, राय ले लीजिए, पूरा राज्य का लोग बोलेगा स्थानीय नीति बनना चाहिए। झारखंड आंदोलन का दर्द होता तो आज इतने जगह पर लोगों को रोकने का काम नहीं किया जाता। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उन्हीं उसूल का पालन करते हुए हमने कदम पर सीढ़ी बार चलने का काम किया है। नौजवान की नौकरी रिक्त है, उसके लिए नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं, सरना धरपोट लगाने की बात कर रहे हैं। साहब, इतना बुद्धि, इतना दिमाग, राज्य के सारे पुलिस अधिकारी, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी आज कोई वीडियो ऑफिस खाली है? वीडियो किसी चौक पर चौकीदार के रूप में खड़ा है,
और आजसू का कार्यकर्ता ढूंढ रहा है। कल रात से एसपी एसएसपी डीएसपी दरोगा झारखंड में चलने वाली हर गाड़ी को खोल रही है, देख रही है कहीं आजसू का कार्यकर्ता तो नहीं है, तस्वीर मांगने वाला तो नहीं है। ये रोड में चलने से खोजने से नहीं मिलेगा, झारखंडी जनता के दिल में बत्ती ढूंढ रहा है। विषय पर जितनी चौकीदारी की जा रही है, राजा साहब, मैंने राजा साहब कहा था कुछ दिन पहले, अभी हाउस में बोला तो रामेश्वर बाबू को बड़ा दिक्कत हो गया, रामेश्वर बाबू बहुत परेशान हो गए थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगा कि रामेश्वर बाबू काहे बोल रहे हैं, क्योंकि एक कुछ दिन पहले मैंने अखबार में देखा था कि कोना देंगे कोना नहीं देंगे, बोले थे अभी कुछ दिन पहले कोना दे सकते हैं कोना नहीं दे सकते हैं, बोले थे ना, ये व्यक्ति कैसे बोल रहा है भाई। तब हमको लगा नहीं, बहुत दिन तक यही व्यक्ति अवसर बन के जब पूरा झारखंड आंदोलन 80-90 के दशक में चरम पर था तो लालू जी का एजेंट बनकर लाठी और गोली झारखंडियों पर चलाने का काम कर रहा है, वही व्यक्ति है। उसका नेतृत्व किसी ने झारखंड पर किया और झारखंड के बारे तत्कालीन गवर्नमेंट को कान से कोई बताने का काम करते थे तो ही रामेश्वर बाबू ने दूसरा। कल महिला दिवस और आज झारखंड सरकार अच्छा महिला का सम्मान कर दी, कर रही है कि नहीं? पार्वती दी इधर खड़ा होकर बोली ना किस तरह से पुलिस बल में पुरुष जाकर इनको रोकने का काम किया, ये झारखंड का एक सम्मान महिलाओं का करने वाला दल उस सम्मान कर दिया कि नहीं, कर रहा है कि नहीं? कल किस मुंह से जाएंगे और बोलेंगे कि नारियों को अधिकार दिलाएंगे, बोलेंगे क्या? पंचायत चुनाव हो रहा है क्या? पंचायत चुनाव हो रहा है, पंचायत पर ओबीसी का आरक्षण देने का तय हुआ हो रहा है, पंचायत को अधिकार दे रहे हैं क्या? पंचायत को 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस पर छोड़ दिया, राजस्व कमाने का अधिकार उसको नहीं दिया। पंचायत गठन से पहले मेरा सपना था इस प्रदेश में कि पंचायत अपना रिसोर्स तैयार करेगा, लेकिन पंचायत के रिसोर्स पर सरकार बैठी हुई है, बैठी हुई है कि नहीं? पंचायत पर कोई अधिकार नहीं, केवल सरकार के दिए हुए टुकड़ों पर चल रहे हैं। मैंने कहा अभी सरकार ने दाल योजना लेकर आया कि नहीं? मैंने कहा कि दाल खाने के लिए कि दिखाने के लिए? ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। इस बार का बजट देख रहे हैं तो लिखा हुआ है वहां पर अभी विचार नहीं हुआ है। तो सरकार ये 2.5 साल क्या की 2.5 साल? लंबोदर बाबू अच्छा बोल रहे हैं, क्या की 2.5 साल में हुआ क्या? धोती बांट रहा था, धोती साड़ी बांट रहा था, ट्रांसफर पोस्टिंग, ये हुआ, ये बिजनेस चला कि नहीं? ये बिजनेस चला, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तो नहीं हुआ? किसी पदाधिकारी का ट्रांसफर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर नहीं होता है, उसके वजन के आधार पर होता है कि नहीं? उसके बाद भूमि जमीन पर कब्जा करना इनका नियत बन गया है, बना है कि नहीं? जहां तहां सरकारी पदाधिकारी लोग, मुझे सूचना दिया हटिया में आसपास हर शहर पर सरकारी लोग, सरकारी पदाधिकारी जमीन कब्जा करने पर लगे हुए हैं, आपको नौकरी देने के लिए नहीं, स्थानीय देने के लिए नहीं, जमीन कौन कितना झारखंड का कब्जा कर सकता है? इसीलिए मैंने कहा था कि जल जंगल जमीन के बाद अब जमीन भी मर गया है सरकार का, ये तैयारी सरकार ने के लिए, सरकार का जमीन मर गया है। सरकार के द्वारा जो हमारे कार्यकर्ताओं को पहले से ही तंग किया जा रहा है और इस आंदोलन को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है, चूँकि यह आंदोलन झारखंड के हित के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, जो 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करना, ये सबसे पहला प्राथमिकता है। और जितने जगह पर पुलिस, पूरे राज्य के पुलिस स्टेशन में, सभी जगह पर जहां से भी आ रहे हैं वहां का हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, हमारे कई पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, और पूरे रास्ते में
हर जगह ब्रैकेटिंग करके हमारे कार्यकर्ताओं को रोका है, फिर भी हमारे कार्यकर्ता हजारों हजार की तादाद पर यहाँ पर पहुँचे हैं और निश्चित तौर पर यह घेराव का जो कार्यक्रम है हम लोगों का सफल कार्यक्रम। क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार डर गई है? बिल्कुल, सरकार ये जो मुद्दा है जेन्युइन है, झारखंड के हित के है, झारखंड के लोगों के लिए है और इस आंदोलन से सरकार डर गई है, तभी यह आंदोलन को विफल करने के लिए पूरे राज्य के हजारों हजार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है और हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही है। ये नज़रअंदाज उन पर भारी पड़ेगा। झारखंड की जनता 2.5 साल से इस विषय को देख रही है, जो चीख चीख कर कहा था कि प्रथम कैबिनेट में ये निर्णय हम लेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि झारखंड हित के लिए लड़ने वाला सुदेश महतो अजसु पार्टी जिस दिन ये अवसर मिलेगा उसके लिए एक दिन काफी होता है निर्णय के लिए। अमित महतो कहते हैं कि अजसु के मैं उनके जवाब देने के लिए थोड़ी आया हूँ। वो कहाँ कौन कीड़ा, हमारे लोग शांतिपूर्वक रूप से यहाँ पर आए, शांतिपूर्वक रूप से अपनी बात को रखा। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।